मेरा सबसे फेवरेट ब्लॉगर है डकी भाई, उसके बाद है मास अफजर, उसके बाद है सौरभ जोशी ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल होने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट यूनिक। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे दो दिन से वीडियो नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा इस बार वीडियो कुछ डिफरेंट करते हैं। चलिए देखते हैं जिब्रान क्या कर रहा है। अभी हमारी सहरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिब्रान जिब्रान सर जा रहे हो, पहले तो फैन ऑफ कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा फैन? अभी ऑफ हो चुका है। वीडियो बनाए क्या कर रहा? बता दी कि वीडियो बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। अच्छा, फ्रेंड्स जिब्रान को भी रूल समझा दिए हैं और मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो है और यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूँगी और जिब्रान मुझे आंसर देगा। क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में भी नहीं आए हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या किस चीज़ पर हम बात करेंगे। तो जिब्रान अपने फेवरेट ब्लॉगर्स का नाम बताओ, पाँच नाम बताओ। मेरा सबसे फेवरेट ब्लॉगर है डकी भाई, उसके बाद है मास अफजर, उसके बाद है सौरभ जोशी ब्लॉग्स, बस यही तीन है मेरे। बस तो पूरा दिन फोन में क्या करते रहते हो? इनकी पुरानी वीडियोज देखता हूँ। बहुत बड़े फैन लगते हो। मिलने का ख्वाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह, एक ना एक दिन सबसे इंशाल्लाह मिल लोगे। अच्छा तो ये हो गए हैं, अब मैं क्वेश्चन सोच कर फिर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने जिब्रान से फोन ले लिया है उसका, ये अब मेरे पास रहेगा ताकि चीटिंग ना करे और मैं इससे फिर भी हो सकती है चीटिंग, तुम्हारी दिमाग नहीं है तुम्हारा। अच्छा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि मास अफजर ना मास अफजर के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं? 5, 4, 1.2 m। तो कमेंट्स में आप लोग बताएं कि ये सच बोल रहा है या झूठ। सच्चा फैन हूं मैं उसका। अच्छा ये हो गया पहला सवाल, सही जवाब। दूसरा सवाल है हम क्या मास अफजर की शादी हो गई? यस, दो महीने पहले हुई है मास अफजर की शादी। हुई है, मुझे पता है, मैं उनकी सारी वीडियोस देखता हूं, मैंने उनके वाली में। अच्छा उसकी वाइफ का नाम क्या है? सबा। सही जवाब। तो यहाँ पर जिब्रान ने दो सवालों का सही जवाब दिया है, तीसरा जो मैंने पूछा वो सवाल नहीं था कि मास अफजर की वाइफ का नाम क्या है, वो सवाल नहीं था, शादी हुई है या नहीं वो सवाल था। हम टोटल जिब्रान से 10 सवाल पूछेंगे और इसने तीन ब्लॉगर के नाम बताए, तो मैं क्या पूछूँ इससे? अच्छा दो मेरे फेवरेट ब्लॉगर्स हैं, उनका तुम बताओगे। मुझे क्या पता आपका क्या फेवरेट ब्लॉगर है? मुझे मतलब सुना तो होगा मेरे मुँह से कभी उनका जिक्र। एक तो डकी भाई है। नहीं वो तो तुम्हारे भी है, उसके अलावा डकी भाई का ब्लॉग मैं भी नहीं देखता हूं। ना मैं गर्ल्स के ब्लॉग्स देखता हूं, नहीं मतलब जो लड़कियां ब्लॉग बनाती हैं मैं वो देखती हूं, और ना मैं वो देखता हूं और ना मैं इनके ब्लॉग्स या फिर। अच्छा चलो, तो मास अफजर के सवालात हो गए हैं, अब मैं आपसे पूछती हूं। सौरभ जोशी ना? यस। तो उसके घर में कौन-कौन? उसके घर में कौन-कौन? उसके घर में उनकी अम्मी है, उनके अब्बू है, उनके दो भाई है पीयूष और साहिल, उनके नहीं तीन भाई है कुणाल भी है, और एक सौरभ जोशी खुद है। अच्छा उसकी न्यू कार बाइक की है ना? थोड़े टाइम पहले कौन सी कार बाइक की है? फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4। अच्छा थोड़ी टाइम पहले उन्होंने कार बाइक। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट पर कितने फॉलोअर्स हैं? 500k से अबव है। तो गाइस आप लोगों ने ये बताना है कि ये सच बोल रहा है या नहीं। वैसे मैं चेक करूंगी, मैंने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं देखा, मैं अपने आप से बता रहा हूं, मैंने पहले के देखे थे जब ओरियो का भी अकाउंट था और सोलुशन। हां वैसे बता दूं इंस्टाग्राम इतना ज्यादा यूज नहीं करता है, लेकिन देखता है कि जब किसी का व्लॉग ना आ रहा हो तो ये इंस्टाग्राम पर चेक करता है कि उनका व्लॉग क्यों नहीं आया। तो ये हो गए तीन सवाल पीयूष नहीं सौरभ जोशी के, और तीन सवाल हो गए मास अफजर के। अब चार सवाल लेते हैं डकी भाई की तरफ। तो पहला सवाल अर्ज किया जाए, क्या डकी भाई मैरिड है? मैरिड तो नहीं है, लेकिन अभी उनके निकाह हुआ है। तो निकाह को शादी कहते हैं? मैरिड है। मारी मैरिड हमें मेरी जबान में उसको मैरिड बोलता हूँ जब वो उनकी दुल्हन घर पे आ जाए, तो मेरे जबान में वो मैरिड है और निकाह हुआ है। हमारी जबान की बात नहीं कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है इज ही मैरिड और नॉट डकी बाई? यस। अच्छा ही इज मैरिड, तो ये तो इसको सब पता है, क्या पूछूं? अच्छा डकी बाई का रियल नेम बताओ, तो वो ज्यादा नहीं बोलता रियल नेम। नहीं मैंने साद उर रहमान, अब आखिरी सवाल है ना? नहीं दो सवाल बाकी है, तो दूसरा तीसरा सवाल डकी भाई के इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? आई थिंक 1.2, 1.3 है। नहीं मैं बताओ ना, 5, 4, 1.2 पता नहीं 1.3। अच्छा मैं चेक करूंगी एडिटिंग के टाइम पे, मैं यहाँ पे लगाऊंगी, देखेंगे कि जिब्रान सही बोल रहा है या नहीं। मैंने बताया मैंने बहुत टाइम इंस्टाग्राम देख के खोला, खोल के भी नहीं देखा कि मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं। अभी लास्ट एक ही सवाल है, वो मेरे फेवरेट व्लॉगर का है, ठीक है मेरे फेवरेट। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो मेरी फेवरेट ब्लॉगर का होगा, जिससे मैं मतलब डेली फॉलो करती हूँ उनकी व्लॉग, उनके दो चैनल है असल में, एक उनका जो है वो सारे बंदे हमको सब्सक्राइब करो।
ये लालची इंसान हर जगह अपनी लालच देखता है। अच्छी बात है ना, हमारी भी थोड़ी फैम बड़ी फैम उनकी, इतनी बड़ी तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी फेवरेट ब्लॉगर है नताशा वकास, तो तुम्हें बताना है कि नताशा वकास के हस्बैंड का नाम क्या है। पागल, नताशा वकास है तो वकास होगा ना उसके हस्बैंड का नाम। इस इंसान को पता ही नहीं है कि सरनेम में हस्बैंड का नाम लगता है। अभी सही बात है, अभी मैं फॉलो ही नहीं करता उनको, व्लॉग्स कैसे हैं, क्या पता उनके व्लॉग अच्छे हैं नहीं। तो मेरे मुंह से सुना तो होगा ना। तो मेरे आपके मुंह से सुना ही नहीं है, बात ये ना मैं झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। नहीं मैं लड़कियों के व्लॉग देखता भी नहीं, मैं सब देखता हूँ तीन व्लॉगर्स और जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, हम नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे व्लॉगर का इससे पूछेंगे जिसके बारे में इसको ना पता हो। ऐसे तो ये नौ सवालों के जवाब बिल्कुल सही दे रहा है। मैंने इंस्टाग्राम तकरीबन 5-6 दिन से नहीं खोला, मैं खोलता भी नहीं ना, मैंने मेरी आईडी पे कोई पोस्ट लगा हुआ है कुछ नहीं है। मैं बस इसलिए खोलता हूँ कभी कभी डकी भाई की वीडियो लेट आ जाती है तो फिर मैं देखने जाता हूँ कि उन्होंने क्या डाला इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो पहले डालते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं। आज भी दो दिन लेट आया, पता नहीं आया, मुझे खुद नहीं पता। अभी आज व्लॉग मैंने देखा तो वो एयरपोर्ट पे थे, जहाज पे कराची आए, अभी हमें भी कराची जाके उनको सपोर्ट करना है, हमको भी सपोर्ट करना है। तुम बच्चे हो ना, तुम नहीं जा सकते। वैसे तुम्हारा शौक है, इंशाल्लाह किसी दिन देखेंगे क्या होता है। जब बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा, कोई 100-200 मिलियन हो जाएंगे मेरे, फिर आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन भाई से तो मैं ऐसे ही मिलूंगा, फिर पहले 100 की हो जाएगी। तुम तो मिल लोगे, वो तुमसे नहीं मिलेंगे ना। नहीं, मेरे 200 मिलियन होंगे फिर उस टाइम क्या होंगे। और यहाँ पर जिब्रान को गर्मी लग रही है, हमारे सवाल पूरे हो चुके हैं 10 सवाल, लेकिन ये बहुत इजी रहा था इसके लिए क्योंकि ये इसके फेवरेट व्लॉगर थे। तो अगली बार से इंशाल्लाह हम थोड़े से मुश्किल सवाल लाएंगे इसके लिए, क्योंकि इसे हराना भी तो है। ये मेरे लिए वैसे एक चैलेंज था कि मैं इसको हरा दूँ, लेकिन नहीं हरा पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इसको हरा दूंगी। यहाँ पर इतना शरीफ ये है नहीं जितना वीडियो कैमरा खुलने पर ये बन जाता है। नेक्स्ट टाइम थोड़े ढंग के क्वेश्चन लाना जिसको मैं जवाब ना दे सकूं। हां, कोशिश करूंगी। मैं तो माशाल्लाह से इंटेलिजेंट बच्चा हूं, बस ये नताशा वकास का नहीं बता पाया, छोड़ो उसको, मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं नहीं बता पाया। वो भी इतना इजी था, अगर सवाल अच्छे से सुनते तो दे देते जवाब, इसलिए मैंने सबसे इजी सवाल पूछा था। खैर, एक सवाल इसने भी जवाब दिया है। ज्यादातर बंदे जो होते हैं ना, वो अपना अपने साथ अपने फादर का नाम रखते हैं, तो अभी मैं खुद रखता हूँ, मेरा फादर का नाम अब्दुल हमीद खिलजी है, तो अभी मैं जुबरान हमीद रखता हूँ। तो बेवकूफ इंसान चाहे फादर का हो चाहे हस्बैंड का हो, मैंने तुम्हें उसका पूरा नाम क्वेश्चन में लेकर दिया था, भूल गए। नताशा वकास के हस्बैंड का नाम क्या है, तो जब हस्बैंड आ गया तो नाम हस्बैंड का ही लगेगा ना बेवकूफ। तो चलो, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चुप रहो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी कर देना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जहाँ चाहे आप लोग शेयर करें। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, हमें व्यूज़ चाहिए। और क्या इशारे कर रहे हो, मेरी ज़बान खुल चुकी है। अभी मैं बोलूंगा कि तो कैसे आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और हमें भी रोज़ों की में याद रखें, और आज 2800 रोज़ है तो सबको अपनी दुआएं मांग लेनी चाहिए कि कितने खत्म होने वाले हैं, और फिर वही हमें भी याद रखिएगा, और फिर वही दिन आएंगे कि पूरे 11 महीने हम वही फारिग बैठेंगे, ये वो और ईद की ईद पर एक्साइटेड हो बहुत ज़्यादा। रमजान जा रहे हैं, उसका दुख है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, क्योंकि रमजान में ही बहुत ज्यादा बोर हो जाता है ना, इसलिए बात वो नहीं है। अभी तो माशाल्लाह मैंने सारे 27 पूरे रखे हैं, अभी 28वां मेरा स्टार्ट है। अभी जैसे कि बोला था कि नमाज भी पढ़ चुका हूँ मैं, अभी मैं सोया हुआ था, अभी अचानक से ये बोल रहे कि व्लॉग बनाने में अच्छा खासा सो गया था बिल्कुल पंखे में, ऐसी कूल कूल, और अभी इसको पसीना भी आ रहा है क्योंकि पंखा बंद है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, और कमेंट में आप लोगों ने जरूर बताना है कि इसके जो जवाब थे वो सही थे या नहीं। अल्लाह हाफिज़। तो आज के लोग में आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मेरी एनर्जी इतनी स्लो क्यों थी, तो मेरे को बहुत नींद आ रही है, मेरे को अभी बहुत नींद आ रही है, मेरे को जल्दी जाना है सोने। कल तो इंशाल्लाह उठूंगा जोहर की नमाज पे, और अभी टाइम हो रहा है 5:33 हो रहा है। अभी मैं सोया नहीं अभी तक, अभी तो सो रहा था लेकिन उठा दिया, क्या करें, अभी जाना है। तो व्लॉग भी शूट हो चुका है, अब एक और टेंशन चली गई है, तो अभी मैं चलता। तो चले सोते हैं, फैन भी ऑन करो और जाओ यहां से, नींद आ रही। चुप करो, बदतमीजी नहीं करो। तो ये हो चुका है इसका फैन ऑन और ये सोने लगा है। अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।